सेकंड जो फर्स्ट यूनिट का वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, मान लो v इक्वल टू क्या होता है ध्वनि का वेग, और e इक्वल टू क्या माने प्रत्यास्थता गुणांक, और d इक्वल टू क्या है घनत्व। तो उसका आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू ea db। तो इसमें प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए k कांस्टेंट यूज करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, v इक्वल टू k इनटू ea db। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे k क्या है, कांस्टेंट है, a और b क्या है, अचर राशि है। तो इसमें v है जो ध्वनि का वेग, तो v ध्वनि का वेग का विमाय क्या होती है, l t इनवर्स होती है। उसके बाद e की विमाय क्या होती है, e मतलब क्या, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का विमाय क्या होती है, m l इनवर्स t टेस्ट टू पावर माइनस टू, ठीक है। उसके बाद d की विमाय क्या होती है, m l इनवर्स सॉरी m l होल स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों विमाय है उसका ही उसका हम लोग कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमें रखते हैं, ये v का वैल्यू, e का वैल्यू और d का वैल्यू, ठीक है। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं क्या होता है, वैल्यू रखने पे क्या मिलता है अपन को, एल टी इनवर्स इक्वल टू एम एल इनवर्स टी रेस टू पावर माइनस टू होल स्क्वायर ए इंटू एम एल सॉरी एम एल स्क्वायर ऑफ माइनस थ्री और ब्रैकेट क्लोज बी, ठीक है। तो यहाँ पे एम है दोनों साइड, इधर एम नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम जीरो लिख सकते हैं। तो एम जीरो एल टी इनवर्स इक्वल टू ये ब्रैकेट ओपन करके ए का गुना होगा इसमें सभी में और बी का गुना इसमें होगा, उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एम टर्म को एक साथ रखेंगे, जैसे कि एम ए का गुना यहाँ हुआ ए और जो एम बी, तो इसको एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं एम ए बी। उसके बाद क्या है, एल टर्म को देखते हैं, तो एल टर्म में क्या हुआ, ए का ही यहाँ गुना हुआ तो एल इनवर्स ए हुआ। उसके बाद ये माइनस थ्री भी एल का है, इसको भी एक साथ लिख सकते हैं, तो क्या हुआ एल माइनस ए माइनस थ्री भी। उसके बाद टी टर्म को देखते हैं, टी टर्म में क्या है माइनस टू ए, इसको लास्ट में लिख सकते हैं टी माइनस टू ए, ठीक है। उसके बाद विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या होता है, जो दोनों पक्षों की विमाय होती समान होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद और क्या होता है, माइनस टू ए इक्वल टू क्या होता है माइनस वन, इसको और क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू हाफ। तो इसका ए का वैल्यू जो हाफ आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, क्या मिलेगा अपन को हाफ प्लस बी सॉरी सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, तो ए का वैल्यू है हाफ प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसको और क्या लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस हाफ। तो जो ए और बी का वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते क्या मिलेगा, v इक्वल टू के e, यहाँ पे a का वैल्यू हाफ है। उसके बाद जो d है, d का वैल्यू क्या है माइनस सॉरी d b, तो b का वैल्यू क्या है माइनस हाफ, तो इसको रख लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हुआ k e और d जो माइनस में है हाफ वो नीचे चले जाएगा, तो e अपॉन d ब्रैकेट क्लोज फिर हाफ। तो जो ये दोनों का स्क्वायर में, तो इसको क्या अंडर रूट यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा v इक्वल टू के कांस्टेंट अंडर रूट e अपॉन d, यही अभीष्ट संबंध है, मतलब ध्वनि के वेग के लिए जो विमीय सूत्र होता है वो यही व्यंजक, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, थैंक यू।